इंडियन अंडर 17 की जो परफॉर्मेंस रही थी एक्सपोजर टूर में, इट हैज बीन इनसेन, नो डाउट अबाउट। जिस तरीके से उन्होंने स्पेन में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, स्पेसिफिकली अगेंस्ट बिगेस्ट टीम लाइक यू नो रियल मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड, बहुत ही ज्यादा ही पोटेंशियल दिख रहा था इस बंदे को इन प्लेयरों में। फिर जब जर्मन गए तो भी अच्छा दिखा। इवन एक्सपोजर टूर से पहले भी जो फ्रेंडलीज खेले थे इंटरनेशनल टीम के अगेंस्ट में, दैट हैज बीन इनसेन। तो अंडर 17 की ये टीम एक अलग ही ब्रीड और अलग ही यू नो हमारी होप लेके आ रही है कि हाँ नेक्स्ट सीजन और नेक्स्ट जो यू नो हमारी इंडियन पीढ़ी है, फुटबॉल पीढ़ी है, वो सेफ हैंड में है। क्योंकि लग रहा है कि ये भाई बहुत ही बढ़िया प्लेयर आगे जाके निकल पाएंगे, और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी हो रही है, आईएसएल टीम भी इंडियन प्लेयर के ऊपर सीरियसली ले रही है, तो वो लोग डेवलप हो पाएंगे। बट आपने देखा जब हमने एएफसी एशिया कप खेला अंडर 17, किस तरीके से हमारी परफॉर्मेंस रही, हमारी परफॉर्मेंस मिक्स्ड परफॉर्मेंस रही। हम बहुत ही बुरा भी नहीं खेले, बहुत ही अच्छा भी नहीं खेले। क्यों? हमने वियतनाम से ड्रॉ किया, हमने नो एक नील से उज्बेकिस्तान से हार गए, और एक जबरदस्त जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया हमने लास्ट मैच में। बट एट द एंड हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए क्वार्टर फाइनल में। बट आई कैन से दैट टीम अच्छी नहीं थी, टीम अच्छी थी बट हम नहीं कर पाए, वो होता है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट टीम में पोटेंशियल है। बट आपको मैं एक ऐसा यू नो सिस्टम बताऊंगा आज, जिस सिस्टम से हम इन जैसे 17 अंडर 17 अंडर 12 अंडर 19 की टीम को हम नेक्स्ट लेवल ले सकते हैं, उनको जो एशिया कप की फीलिंग ना उससे पहले दे देंगे, जब एशिया कप या वर्ल्ड कप के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना उससे पहले ही उनको उस तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। क्योंकि फ्रेंडलीज में जहां मैं जितना मानता हूं, फ्रेंडलीज इज ऑलवेज फ्रेंडलीज, उसमें देयर इज नथिंग ऑन योर स्टेक, ओके? तो आप थोड़ा लाइट खेलते हो, वहां पे जीतना हारना उतना मायने नहीं रखता, रदर देन यू नो ट्राइंग टू इंप्लीमेंट व्हाट यू नो यू वांट टू प्रूव टू योर कोच, बट ज्यादा कुछ नहीं रहता है। बट हम कोई टूर्नामेंट या कोई कंपटीशन खेलेंगे, वो अलग ही इंटेंसिटी, अलग ही मैटर, अलग ही यू नो एनर्जी चाहिए होती है। और मैं जो आप प्रोसेस बताना चाहूंगा, ये प्रोसेस में वो सब की जरूरत पड़ेगी, और ये प्लेयर बेटर बनेंगे, ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनेंगे, और ये नॉकआउट मैच के लिए रेडी रहेंगे, बिग स्टेज के लिए दे विल बी रेडी टू परफॉर्म। मैं बता रहा हूं और मैं बताना चाहूंगा ऐसी ही टूर्नामेंट जिसका नाम है गरुड़ा इंटरनेशनल कप। ये गरुड़ा इंटरनेशनल कप 2015 से भाई ये स्टार्ट हुआ है, और ये इंडोनेशिया का एक टूर्नामेंट है, जो कि अभी रिसेंटली उन्होंने यू नो गरुड़ा इंटरनेशनल कप 3 अभी उन्होंने स्टार्ट किया है। इसमें 32 टीम्स, कितने टीम्स, 32 टीम्स फ्रॉम एटलीस्ट 8 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं गरुड़ा इंटरनेशनल कप 3 में। उसमें कौन से कंट्री है, उसमें ऑल साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई, देन थाईलैंड, वियतनाम एंड जापान। ये जो टीम है ये यहाँ पे रेगुलर 32 टीम जो है वो पार्टिसिपेट करती है, और वहां पे एक टूर्नामेंट होता है, और वो टूर्नामेंट में ऑल टाइप ऑफ नो आईएसएल फीलिंग देते हैं, तो लोग भी आते हैं देखने के लिए, एंड देन वहां से बड़े बड़े प्लेयर को बनाते हैं। पैंडेमिक के वजह से थोड़ी बहुत गेम बंद थी कुछ साल के लिए, बट अगेन दे आर कमिंग बैक विद ए बैंग विद 32 टीम्स, एंड और ये एक सेटअप है जिससे हमारी टीम को फायदा हो सकती है। अभी अंडर 17 की टीम जो है 8 टीम जो है जुलाई 6 से जुलाई 9 तक खेलेगी, और ये फ्रेंडली टूर्नामेंट रहेगा बिफोर दे गोज टू यू नो प्लेइंग फॉर 32 यंग टीम्स फॉर 5 कंट्रीज। तो इस कंट्रीज में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन हो सकता है, या हम ऑर्गेनाइजर हो सकते हैं, राइट? तो हमारे पास बहुत सी टीम है, पाकिस्तान है, नो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, हमारी जो एशियन टीम्स हैं यहां पे सैफ की इंडियन टीम, तो वो तो आपको बोलोगे सैफ का टूर्नामेंट है ना भाई, आप क्यों बोल रहे हो? नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि हमारी जो अंडर 17 की क्लब की टीम्स, मैं वो चाहता हूं कि क्लब्स के टीम जाके वहां पे पार्टिसिपेट करें। वो हो सकता है बेंगलुरु एफसी की प्लेयर टीम हो, या कोई भी टीम की अंडर 17 की टीम जो है वहां पे पार्टिसिपेट करे। आप बोलोगे भाई इतना तो अभी सेटअप ही नहीं हुआ, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हर टीम में एकेडमी अंडर 6, अंडर 9, अंडर 20, अंडर 17, अंडर 19 होना चाहिए हर क्लब में, तभी तो हमारी फुटबॉल बढ़ेगी, क्योंकि नर्चर वो लोग ज्यादा कर सकते हैं देन ए कंट्री और ए नेशनल टीम डज, राइट? तो मैं चाहूंगा कि हर आईएसएल टीम में ऐसी टीम हो, और वो ऐसे एक टूर्नामेंट अदर ऑर्गेनाइज करे या ऐसे टीम में पार्टिसिपेट करे। बट ट्रस्ट मी इट विल गिव अ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू द टीम, एंड ट्रस्ट मी हम जो बोलते हैं ना हम एएफसी चैंपियंस लीग में खेल पाएंगे क्या, स्टार्ट तो यहीं से करना पड़ेगा। हम एएफसी एशिया कप में अच्छा खेल सकते हैं क्या, स्टार्ट तो यहीं से करना पड़ेगा। वर्ल्ड कप तो बहुत दूर की बात है, हमें स्टार्ट छोटे छोटे चीजों पे करना है। अंडर 17 के एएफसी टूर्नामेंट जैसे टूर्नामेंट में खेलना है हमें, अंडर 17 की एएफसी कप में हमें जीतना है, तब तो हम आगे जाएंगे, तब तो हमारी ब्रीड बनेगी अच्छी। आपको क्या लग रहा है, आपको क्या ओपिनियन है कि गरुड़ा कप से हम कुछ सीख सकते हैं, और गरुड़ा इंटरनेशनल कप जैसे टूर्नामेंट हम इंडिया में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्या? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स इट फॉर टुडे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रोफेसर कलिंगा।